उनके मन पे इतना प्रभाव होता है कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे वीक हैं तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे। और कभी कभी माँ बाप भी आपकी क्षमता को जानने के बावजूद भी अपने सोशल स्टेटस के कारण अपने आसपास के साथियों दोस्तों में क्लब में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, कभी तालाब में कपड़े धोए जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों की बातें निकलती हैं, फिर उनको एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर धीरे धीरे वो इंटरनलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वही अपेक्षाएं करते हैं। और समाज जीवन में ये सहज प्रवृत्ति बनी हुई है। दूसरा, आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए, चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए? क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का छक्का शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है? क्या ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है, फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हाँ, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं, तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। और इसलिए अपेक्षाएं, माँ बाप को क्या करना वो मैंने पहले ही कहा, सामाजिक दबाव में माँ बाप ने बच्चों पर दबाव ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। और दोनों चीजों के बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। कहां गए एंकर? माननीय प्रधानमंत्री जी,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके प्रेरक वचनों से अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है। मान्यवर के दबाव में न रहें, हम गांठ बांधकर परीक्षा में उत्साह बनाए रखेंगे। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, चंबा प्रकृति के अनछुए सौंदर्य को समेटे भारत के पेरिस के रूप में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। चंबा हिमाचल प्रदेश से आरुषि ठाकुर आभासी माध्यम से हमसे जुड़ रही हैं। आरुषि, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत डलहौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, परीक्षा और नो परीक्षा। आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है, समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर तीन विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा, मैंने दो दो घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए
तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था, पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जा करके एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, यूं यूं खींचेगा क्या, ताकत लगाएगा क्या, ऐसा नहीं करेगा। वो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है, और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है, और जबकि काम सबसे ज्यादा माँ करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर गाइडिंग अस टू बी मेथोडिकल एंड सिस्टमैटिक इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव स्टूडेंट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, रुपेश कश्यप, hailing from Bastar district of Chhattisgarh, is known for his distinctive tribal art, the enchanting Chitrakoot waterfalls and the finest quality of bamboo. Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance. Rupesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kasyap. I am a student of class 9th. From Swami Atmanand Government English. Camera उस बच्ची पे लगाइए, हाँ। From Swami Atmanand Government English Medium School, Darwa, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the heritage city of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent cone-shaped layout, Rath Yatra and serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawahar Navoday Vidyalay, Konark, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate
cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी, रुपेश और तन्मय, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज है सच, ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे भी उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए, करते हैं ना? ऐसे टीचर होते हैं ना, नहीं होते? तो बोलिए ना। हाँ, और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम लगाते हैं, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उतनी छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा, ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकाध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एकाध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं, उनसे भी मैं कहूंगा
कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू दो चार मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना, दोस्तों। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना, वहां ब्रिज होता है, तो हम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके वचन सीधे हमारे हृदय में उतर गए हैं, आपका धन्यवाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, फ्रॉम पलाकाड़ द लैंड ऑफ पैडी फील्ड्स where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music. Sujal K seeks your guidance. Sujal, please ask your question. Namaskar, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम तेजस सुजय है। मैं 9वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय कंजीकोड एर्नाकुलम संभाग का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी हैं? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू सुजल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, क्या सवाल था उनका? क्या पूछ रहे थे सर? हार्ड वर्क के बारे में। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। थैंक यू सर। अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो एक कथा सुना पढ़ाते थे कि घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था, तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस गड्ढे में डाले, और धीरे धीरे पानी ऊपर आया, और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्डवर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं
जो स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं, और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्डवर्क कैसे करना, और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करें परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था, तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने व्यवस्था की कि आप उसको लेके जाइए। अब सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी। हम अब ढेर सारी कोशिश किए, धक्के मारे, ये किया, दुनिया भर का हार्डवर्क किया, लेकिन हमारी जीप नहीं चली। 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया, और फिर वो कहे साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले साहब ये 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है।